नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फ्यूचर ट्रेड से संबंधित जो है वो प्रश्न सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके आईटीआई एग्जाम में को लेकर, और ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। व्हाई ड्रिल होल्स आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया। ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र का आकार में अधिक क्यों है। मतलब कि आप जो है 10 मिलीमीटर का आप ड्रिल लिए हो, उससे ज्यादा आपका होल हो जा रहा है, यानी कि 10 पॉइंट मान लिया जाए 0.2 mm आपका ड्रिल का होल हो जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या फीड रेशियो ज्यादा होने के कारण? कूलिंट इज इनइफिशियंट यानी कूल जो है अप्रभावी है, या फिर इनसफिशियंट क्लियरेंस एंगल जो है अपर्याप्त दिया गया है, या फिर अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। तो दोस्तों, यदि अनइक्वल लीप लेंथ होगा या लेंथ ऑफ कटिंग एज होगा तो क्या होगा, ड्रिल का होल होगा। जितने साइज का हम ड्रिल लिए हैं उससे आपका होल जो है बड़ा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, वाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक का कोण क्या होता है? तो दोस्तों, होता क्या है कि जब आप थ्रेडिंग स्टार्ट करते हो, टैप के द्वारा टैपिंग करते हो, को फर्स्ट टैप चलाने के लिए वहां पे काउंटर सिंकिंग काफी महत्वपूर्ण होता है। उसके माध्यम से जो है टैप जो है बहुत ही आसानी से घूमता है, या फिर अलाइनमेंट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो कितना डिग्री में चैम्फरिंग करेंगे? तो वो 120 डिग्री के लिए चैम्फरिंग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। वहीं 75 डिग्री जो है वो काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए किया जाता है, 80 डिग्री जो है वो सेल्फ टैपिंग स्क्रू के लिए, और 90 डिग्री काउंटर सिंक हेड स्क्रू को फिट करने के लिए जहां पे करना हो वहां पे 90 डिग्री का काउंटर सिंक टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो जब आपको चैम्फरिंग करना हो तो आप कितने डिग्री का इस्तेमाल करेंगे? 120 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे काउंटर सिंकिंग टूल। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड, इस थ्रेड का नाम बताइए। तो ये फिगर दिया गया है, तो ये कौन सा थ्रेड है? तो क्या ये वी थ्रेड है, बटरस थ्रेड है, स्क्वायर थ्रेड है, या सातूथ थ्रेड है? तो इनमें से जो फिगर दिया है उसमें कौन सा थ्रेड है? तो दोस्तों, स्क्वायर थ्रेड का ऐसा होता है, तो स्क्वायर थ्रेड इस प्रकार से स्क्वायर थ्रेड होता है। वहीं बात की जाए बटरस थ्रेड, तो बटरस थ्रेड तो जाता है स्ट्रेट, बट वहां से ये पूरा 45 डिग्री हो जाता है, फिर ये ऊपर जाता है और फिर इस तरह से 45 डिग्री के एंगल में बनता है। और भी थ्रेड क्या होता है? वो इस तरह से होता है। अब आइए टूथ सा थ्रेड, तो ये बिल्कुल टूथ सा थ्रेड का फिगर दिखाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, सा टूथ थ्रेड। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो दोस्तों, यहाँ पे एक्स के रूप में दिया गया है, तो ये क्या है? तो हमने इसका नुमरिकेचर सारा क्लियर किया था पिछले चैप्टर में कि किसको क्रेस्ट कहते हैं, किसको रूट कहते हैं, और फ्लैंक क्या है, एंगल ऑफ थ्रेड क्या, ये जो है आपका एंगल ऑफ थ्रेड है। तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, ये जो है हेलिक्स एंगल का यहाँ पे एक्स के रूप में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि वाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक। डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया जाता है? तो होता है कि डाई स्टॉक होता है इस तरह से, यहाँ पे तीन गो स्क्रू होता है, 1, 2, 3, इस प्रकार से ये बना होता है डाई स्टॉक। उसमें लेफ्ट स्क्रू, राइट स्क्रू और सेंटर स्क्रू होता है। तो सेंटर स्क्रू देने का क्या मतलब होता है? तो सेंटर स्क्रू इसलिए दिया जाता है
टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, यानी कि कट की गहराई को समायोजित करने के लिए जो है वो सेंटर जो डाई स्ट्रोक है उसमें सेंटर स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको थ्रेड का डेप्थ ऑफ कट करना हो, अधिक थ्रेड उत्थर निकालना हो, तो वहाँ पे आप जो है वो सेंटर स्क्रू का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द इंक्लूड एंगल ऑफ मीट्रिक भी थ्रेड, मीट्रिक भी थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भी थ्रेड जो मीट्रिक भी थ्रेड है उसका एंगल पूछा गया है। तो आपको दोस्तों पता है 45 डिग्री कितना किसका होता है, बटरस थ्रेड। 29 डिग्री जो होता है वो किसका होता है, एकमी थ्रेड। 47 यानी 47.5 डिग्री जो होता है वो होता है बीए थ्रेड। तो मीट्रिक थ्रेड का होता है कितना, 60 डिग्री। तो एम में जो है एम मैट्रिक थ्रेड का जो भी थ्रेड मैट्रिक भी थ्रेड है उसका एंगल होता है 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 60 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट 46 रिप्रेजेंट इन ए स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, 32A, 46H और 8B ग्राइंडिंग व्हील का जो ये जो स्पेसिफिकेशन दिया है मानक स्टैंडर्ड प्रणाली, इसमें 46 का क्या दर्शाता है, क्या वो ग्रेड को दर्शाता है, ग्रेन साइज को दर्शाता है, टाइप ऑफ बॉन्ड को दर्शाता है या टाइप ऑफ एब्रेसिव को दर्शाता है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको जो है, ये जो है आपका ये जो है वो आपका एब्रेसिव यानी कि टाइप ऑफ एब्रेसिव को दर्शाता है। वहीं बात की जाए 46 जो है वो आपका ग्रेन साइज को दर्शाता है और ये जो है आपका एच जो है वो आपका ग्रेड को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो है ये 99 का वो ग्रेन साइज होगा। अगला जो प्रश्न है कि व्हाट इज द टूल यूज इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन, ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। तो ये एक फिगर दिया गया है, एक टूल है, इसको कौन सा टूल के रूप में जाना जाता है। तो क्या यह हॉर्निंग टूल है, एब्रेसिव स्टिक है, डायमंड ड्रेसर है या फिर स्टार व्हील ड्रेसर है। तो ये जो ड्रेसर है वो है आपका डायमंड ड्रेसर और ड्रेसर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, वो ड्रेसर जब ग्राइंडिंग व्हील के टीथ जो है खराब हो जाते हैं, कटिंग एज खराब हो जाते हैं, तो न्यू कटिंग एज निकालने के लिए जो है वो डायमंड ड्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, यदि इन प्रश्नों का आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो आप ITI में फिटर ट्रेड से काफ़ी अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। और ITI टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और किस कैसा लगा क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए फिर मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में।